ओहो, कैसे हैं? एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्मा, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष वर्मा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बेहतरीन सा फैक्ट। जी हाँ, एक बेहतरीन फैक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार, जिसे हम सन नाम से जानते हैं, सूरज। ये देखिए, इस फिल इन द ब्लैंक को आप सका, इस गैप को फिल कीजिए, बताइए यहाँ क्या आएगा। आप जानते हैं, हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं, सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब मुझे ये बताइए कि सोलर सिस्टम में जो सन है कहाँ है और प्लैनेट्स कहाँ है। सन तो एकदम सेंटर में है ही, और प्लैनेट्स उसके गोल 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 घूम रहे हैं। बिल्कुल, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। बिल्कुल, अर्थ कौन सा स्पेशल है, वो भी घूम रहा है उसके चारों तरफ। हाँ, घूम रहा है ना, ठीक है। अगर अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दैट मीन्स अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। लेकिन भैया, अर्थ तो रोटेट भी करता है, हाँ, ऑन इट्स ओन एक्सिस। जी बिल्कुल करता है। इसका मतलब जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है, उसी की वजह से तो डे नाइट ऑकर होते हैं। यस, डे एंड नाइट ऑकर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका मतलब अर्थ घूम रहा है ऐसे, और अगर सामने सन आया, सपोज उधर से सन आया, तो हम क्या बोलते हैं, सन आ गया, वाह सुबह हो गई मामू, ठीक है, सन आया तो सुबह हो गई। और फिर जब सन चला गया रात, तो हम डे और नाइट को कैसे डिसाइड कर रहे हैं, सन की प्रेजेंस और एब्सेंस की। जब सुबह सूरज आया हम बोलते थे सुबह हो गई, और जब शाम को सूरज चला गया हम कहते थे रात हो गई। क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? अरे चिंटू, सन के बारे में थोड़ा बताइयो, सन चक्कर लगा रहा है या अर्थ चक्कर लगा रहा है? अर्थ है जो सन के चक्कर लगा रहा है, सन थोड़ी ना कहीं जा रहा है। अरे चिंटू, सन तो वही स्टेशनरी है ना, सन तो चक्कर लगा ही नहीं रहा। राइज? अरे फिर राइज कैसे हो रहा है, सन थोड़ी ना राइज हो रहा है, हम घूम रहे हैं, हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, हमने सूरज को देखा, सूरज आ गया, हमने मुंह घुमा लिया, सूरज चला गया। अच्छा, तो बात ये है, तो जब हमने सूरज को देखा, मतलब आप समझिए, अर्थ जब रोटेट हुई और सामने सूरज आया, सन राइजेस, और जब अर्थ रोटेट होके जब यहाँ सन सनसेट हो गया, सनसेट्स, अब यहाँ डार्क है, यहाँ तो सूरज दिख भी नहीं रहा है, सूरज कहाँ रह गया? हम अर्थ के इस पार्ट में हैं, तो अब अर्थ के उस पार्ट के लिए सुबह हो गई। और जब हम वापस से घूम के इधर आए, सूरज इधर है, जैसे ही आएंगे सनराइज, तो इसमें सूरज तो कहीं गया ही नहीं। सनराइज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बचपन से तो यही पढ़ रहे हैं, गलत थोड़ी है। ईस्ट में तो आ रहा है, उगता ही तो है, उगता मतलब आ रहा है ना, नहीं सूरज नहीं आ रहा, फिर कौन आ रहा है? अच्छा, हम जा रहे हैं, हम सूरज को देख रहे हैं, कहाँ? ईस्ट में। किसका ईस्ट? हमारा ईस्ट, अर्थ का ईस्ट। तो सन दिख रहा है इन द ईस्ट ऑफ अर्थ, तो सन क्या होता दिख रहा है? राइज, वो थोड़ी रहा है, सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट ऑफ द अर्थ। अरे वाह, मेरा तो बस यही कहना है, सन कहीं नहीं जाता, हम घूमते हैं सन के अराउंड, रोटेट होते हैं अपने एक्सिस पे, तो हम तो अपनी जगह ही है नहीं, हम घूम रहे हैं और हम ही देख रहे हैं, घूम हम रहे हैं, कह रहे हैं सन को कि बेटा सन कहाँ जा रहा है, सन थोड़ी ना जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब बहुत हो गया सख्त, अब बस जल्दी से कम 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए। आप कैसे भी करके इस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।